अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है जुमेरात का दिन और 25 तारीख रबी ज़ैन भाई उठे हैं, वज़ू करने लगे हैं। अभी मुंह धो रहे हैं, बाथरूम जब सर का मसा करें ना तो अंगूठे चूम के नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट मसा करना है, ठीक है। बच्चे पढ़ने लगे हैं कुरान पाक, ज़ैन ने वजू कर लिया है, अब ईमान रजा वजू करेंगे। ईमान वजू करें, जो बेटा पैर को लेफ्ट हैंड से, हाँ जी इस लेफ्ट हैंड से बांधना है। ये हमारी छोटी इमारत है। जी आ गए हमजा बेटा, आ जा, शाबाश, आ जा आ जा आ जा। शर्जील मदनी पढ़ने के लिए बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह। अब्दुल हादी माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना वो आ चुके हैं। शाबाश शर्जील बेटा, या सबरिया, या सबरिया, दाल जबरदा, दाल जबरदा, काफ जबर का, काफ जबर का, यादा का, यादा का, ऊपर उंगली रखिए, शाबाश, या सबरिया, दाल जबर का, यादा काफ जबर का, यादा का, उसको लंबा नहीं करना, यादा का, यादा का। अब आप पढ़िए इसको, मैं ज़ैन को देख लूँ। पढ़िए ज़ैन ऊपर ऊंचा पढ़िए। युजिबु अब ना अहम वयस ता ही निसा, वयस ता जी ये को लंबा करें, या खड़ी जेर जी, निसा अहम, निसा अहम इन्नहु काना मिनल मुस्फसीदीन, शाबाश, वनुरीदु अन नमुन्ना, वन नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना, अलल्लज़ीना नस्तुदीफु, نستضيفوا في الأرض ونجعلهم، ठीक है शाबाश, पढ़ते जाएं।
लंबा करो ना बेटा, ता खड़ी जबरता, ता खड़ी जबरता, ता उल्टा पेश, ता खड़ी जेरती, ता खड़ी जेरती, ता उल्टा पेश, ता ती तू बा लाम बा पढ़ी जा शाबाश बा लाम बा शाबाश पढ़ो अब्दुल आदि दोबारा पढ़ो ना नू पेश तो नोट नून तो पेश नोट नून तो पेश नोट फा जबर फा आके नीचे शेर है बेटा मुदही नून शाबाश ठीक है। अब हमजा हमें सबक सुनाएंगे। जी हमजा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीम रा ज़ेर मीरा बा ज़बर रब मीर रब्बा ज़ेर बी मीरब्बी काफ ज़बर का मीरब्बी का शाबाश मीम रा ज़ेर मीरा बा ज़बर रब मीर रब्बा ज़ेर बी मीरब्बी आमीन ज़ेरीम मीरब्बीहिम शाबाश लाम ज़ेर मिल्लाम ज़बर ला मिल्ला दानून पेशदुन मिलदुन हा पेशु मिलदुन हु उंगली रखो ऊपर कैदे पर शाबाश पढ़ो पढ़ो शाबाश शाबाश जैन बेटा आप भी पढ़े इमार साहब भी पढ़ रही है शर्जील मदनी हमजा मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं तो प्यारे दोस्तों आज का ये ब्लॉग था कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें उनको कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। हदीस पाक में आता है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है हदीस पाक में आता है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान पढ़े और दूसरों को इसकी तालीम दे। तो हमें ख़ुद भी कुरान पाक पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तालीम देनी चाहिए। तो आप सब भाइयों से यूट्यूब के फैमिली मेंबर से इजाज़त चाहते हैं। आप भी अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलाया करें। अल्लाह हाफिज़।